हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेसन 14 है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 14.1 देखने वाले हैं। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों भी हमको फाइंड आउट करना है। टेबल देकर है हमको, उसमें प्रिंसिपल है जो रुपीज़ में देकर है। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि क्वेश्चन का कहना क्या है और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह आएंगे वो भी हम देख लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, प्रिंसिपल मतलब अपने अगर बैंक में पैसे डाले तो वो पैसे मतलब प्रिंसिपल, यानी पहली अमाउंट आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको परसेंट पर एन्यूम में बताया जाता है, जिसको सिंपली हम परसेंट का सिंबल बताते हैं, ये सिंबल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हर साल 100 रुपीज पर 5 रुपीज बढ़ाकर ये बैंक वगैरह ये देगी आपको, या आपने लोन लिया होगा है हुआ है तो वो लेगी। ओके, उसके बाद है ड्यूरेशन, कितने सालों के लिए ये पैसे उस बैंक में डाले गए हैं, ठीक है, जिसको एन से भी डिनोट किया जाता है, जो हमारा फॉर्मूला है जिसमें एन का बताकर है, वो एन मतलब ड्यूरेशन कितने सालों के लिए। और ये नॉर्मली ईयर्स में ही लेना पड़ता है, अगर मंथ में भी दिया होगा, क्योंकि इसके बाद के प्रैक्टिस सेट में मंथ में हो सकता है, तो मंथ में दिया होगा तो आपको उसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम इसको और समझेंगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो स्टूडेंट, ये जो भी डिटेल्स है ये इतनी मैंने पेज पर लिख ली है कि प्रिंसिपल देकर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं इसलिए पी मैं लिखना भूल गया था। उसके बाद नंबर्स ऑफ ईयर्स जो कि एन में डिनोट करते हैं, अमाउंट ए में, और इंटरेस्ट आई में, ये पूछे गए इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने यूज़ किया है। ओके, अब अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला हमको देकर है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। बस इसमें वैल्यूज पुट आउट करो दिए हुए और हमको अमाउंट मिल जाएगी। ओके, सो प्रिंसिपल कितना था हमारा, 2000 रुपीज, इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, सो 5 अपॉन 100, तो 100 के जैसे ही यूज करेंगे हम, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, 2, सो 2 ईयर्स के लिए, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2000, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, मैं दोनों भी टेक्निक से सॉल्व करके बताऊंगा। 100 को, यानी 100 से अगर आप 5 को डिवाइड करते हो तो 0.05 आंसर आएगा, यानी 1.05 इसका आंसर आना चाहिए। या तो फिर इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस 5 अपॉन 100, ठीक है, डिवाइड टू द पावर 2। फिर से 2000 इन ब्रैकेट 100 प्लस 5 105 डिवाइडेड बाय 100, सो टू द पावर 2। फिर से 2000 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100, इसका स्क्वायर क्या रहेगा, 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। अब ये दोनों दो बार क्यों लिया मैंने, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, वही नंबर का वही नंबर से मल्टीप्लिकेशन। इसके बेसिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हैं, मेरी प्लेलिस्ट है स्कॉलरशिप प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया गया है। ओके, फिर से 0 0 कट, ये वाला 0 कट, ये 0 क्यों कट होते हैं, जब कोई नंबर ऊपर न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में होगा और लास्ट में अगर 0 है तो तुम कट कर सकते हो उसको। ओके, उसके बाद में 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, यानी 21/20 आया। उसके बाद ये 20 1 20 और 20 1 20, ये भी कट गए, सिर्फ बचा क्या 105, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 21, यही बचा है। सो फिर से 105 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे हम, 5 1 5, 100 1 1 1, 0 लेंगे, 5 2
टेन, वन कैरी, 200 + 1, 1, 2 1s are 2, सो 5, 0, 1 + 1, 2 और ये 2, सो 2205 ये हमारा आंसर आया, जो कि है अमाउंट 2205, यानी उस पर्सन को 2 साल बाद 5% के रेट से अगर वो 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 2 साल बाद 2205 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, अब ये तो हो गया अमाउंट, बट फिर से इंटरेस्ट पूछा है उन्होंने। अब स्टूडेंट इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जिसमें अमाउंट है 2205 अभी निकाली हमने, और प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपीज़, कितने रुपीज़ दिए थे उन्होंने, डाले थे पहले या इन्वेस्ट किए थे, सो 2000 रुपीज़, और 2205 में से 2000 अगर आप माइनस करते हो, 2205 - 2000, तो 5 - 0 - 5, 0 - 0, 2 - 0 - 2, 2 - 2, 0, सो 205 रुपीज़, 205 इतना इंटरेस्ट उनको मिला है, यानी कि उनके पैसे पे 205 रुपये उनको ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, सिर्फ हमको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट आउट करना है इस फॉर्मूला में, तो आपको ईजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको अपन स्टार्ट से ही लिखेंगे। क्वेश्चन सेकंड में है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जिसको हम पी से डिनोट करते हैं वो आया है ₹5000। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीधा सीधा रेट लिखेंगे, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो है 8% पर एन्यूम, यानी परसेंट पर एन्यूम, देखो परसेंट पर एन्यूम, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे, परसेंट मीन्स परसेंट, ये वाला 100 में से कितने, पर एन्यूम मीन्स हर साल में, यानी कि दर साल दर सैकड़ा बोलते हैं इसको मराठी में और हिंदी में भी बोलते। दूसरी बात, हर साल 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे 100-100 रुपये पर, तो 5000 पे कितने। ओके, तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ड्यूरेशन भी लिखेंगे हम, ड्यूरेशन जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, जो कि है 3 ईयर्स, 3 साल का ड्यूरेशन है, 3 साल के लिए उन्होंने 5000 रुपीज़ डाले थे। इसके बाद अमाउंट पूछी गई है और इंटरेस्ट पूछा गया है, इसलिए अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट जिसको ए से डिनोट करते हैं इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + rate of interest upon 100 is to the power n, सो हेंस प्रिंसिपल है 5000, देन 1 + r मीन्स 8 upon 100 to the power n, सो 5000 × 100 ones are 100, 100 + 8, 108 upon 100 to the power n, सॉरी n का तो मैंने वैल्यू ही नहीं पुट की, n है 3 ईयर्स, सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 ईयर्स, यहाँ पर भी लिखना चाहिए था 3 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद कोई भी नंबर 3 उसका पावर होगा तो वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा तो 2 बार, 4 होगा तो 4 टाइम्स। ठीक है, सो हेंस 5000 × 108 upon 100 × 108 upon 100 × 108 upon 100। ठीक है, कोई भी नंबर ये डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे होते इसके वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, बस आप चैनल चेक नहीं करते। बहुत से स्टूडेंट है कि जब रिकमेंडेशन यूट्यूब बताता है तभी चेक करते हैं, बट अंदर जाकर वो चैनल में देखते नहीं है कि कौन से वीडियो अवेलेबल है हमारे लिए। सो अलग अलग फोल्डर्स है मेरे, प्लेलिस्ट बनाकर है, आप सच में मैं रिकमेंड करूँगा उसको चेकआउट करो। सो 0, 2 0 है, ये 2 0 कट, बचा 1 0, ये 1 0 कट, ये 5 1s are 5, 5 2s are 10। ठीक है, सो बचा क्या सिर्फ यहाँ पर 108 × 108 × 108, और इधर नीचे क्या बचा, 2 × 100 2 × 100। आपको समझने के लिए मैं स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो वहाँ के वहाँ और कट कर सकते थे हम, 2 5s are 10 2 4s are 8 54 आंसर आता था इसका। सो 2 1s are 2 2 5s are 10 2 4s are 8 54 आया,
वैसे ही टू से ही करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 0 0, 2 से डिवाइड किया हमने, इसको भी 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। सो आया क्या, 54 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 50। ओके, अब स्टूडेंट फिर से 50 को 25 कर सकते हैं और इसको कट कर सकते हैं, बट अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के पूरे नंबर्स। सो 54 मल्टीप्लाई बाय 54 करेंगे हम पहले, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 5 4 ज़ार 20 प्लस 1 21, 0 लिया है, 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25 प्लस 2 27, सो 6 1 9 2, और इसको 108 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 108 से मल्टीप्लाई। सो फिर से 6 8 ज़ार 48, 4 कैरी 8 9 10 11 12, 1 कैरी 9 8 ज़ार 72 प्लस 1 73, 7 कैरी 8 2 ज़ार 16, 16 प्लस 7 23। ओके, फिर 0, फिर 2 0, सो ये 6 1 ज़ार 6, 1 1 ज़ार 1, 9 1 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2, सो 8 2 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 1 4, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी 2 प्लस 1 3, सो 3,14,928 डिवाइडेड बाय 50। तो फिर से इसको आप 50 से डिवाइड करना है, तो 50 से डिवाइड ना करते हुए मैं 5 से ही डिवाइड करूँगा, क्योंकि 50 मतलब क्या है, 3,14,928 डिवाइडेड बाय 50 मतलब 5 10 ज़ार 50, है ना। देखो अब मैं एक एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट को ये समझेगा, बहुत सो को नहीं भी समझेगा। तो डिवाइड पहले मैं 5 से करता हूँ, सो 3,14,928 डिवाइडेड बाय 5। ओके, चलो ये डिवाइड करेंगे, 5 0 0, 5 6 ज़ार 30, 14 हो गया, 5 2 ज़ार 10, 5 9 ज़ार 45 बचे 4, 5 8 ज़ार 40 बचे 2, 5 5 ज़ार 25 बचे 3, और 0 लेंगे डेसिमल पॉइंट लेने के बाद 0, 5 6 ज़ार 30, यानी इसका आंसर आया 62,985.6 डिवाइडेड बाय 10। ओके, कोई भी नंबर 10 से अगर 10 100,000 यानी कि 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में सरकता है, जितने 1 पे 0 है, सो ये आएगा 62,908.56 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा अमाउंट। अब अमाउंट आने के बाद अब बचा है इंटरेस्ट, सो नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट है 6,298.5 माइनस कितने रुपीस, प्रिंसिपल कितना था, 5,000 रुपीस, सो 6,298.5 डिवाइडेड माइनस 5,000 रुपीस। लास्ट में इधर 6 है, इधर कुछ भी नहीं है, 0, 6 में से 0 गए 6, 5 में से 0 गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 0 माइनस 9, 2 में से 0 माइनस 2, और 6 में से 5 माइनस 1, तो 1,298.56 ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो दो आंसर हमको मिल गए, अमाउंट और इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन 2। देखो स्टूडेंट अब मैं थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ, क्योंकि आपका वीडियो में टाइम ज़्यादा वेस्ट भी ना होना पाए, तो आप वीडियो बीच बीच में पॉज करके ले सकते हो। और ये मेरा एक्सप्लेनेशन था, देखो क्वेश्चन 1 और 2 मैंने साथ में ही पैरेलल में लिखा है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो क्वेश्चन 1 और 2 हाफ हाफ इधर दिख रहे हैं। अब मैं वीडियो के फ्रेम में ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये आया है ऊपर, और इस टाइप से हमने दोनों भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है।
तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम। प्रिंसिपल है 4000 रुपीज़, सो प्रिंसिपल रुपीज़ 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनुम है 7.5, सो 7.5 परसेंट पर एनुम यानी कि परसेंट का साइन, और ड्यूरेशन जो कि एन लिखते हैं हम वो है 2, सो 2 ईयर्स, 2 साल का ड्यूरेशन लगाया है। अब आ गया है टाइम वैल्यूज़ पुट आउट करने का, और वैल्यूज़ पुट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। सो अमाउंट ए इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर एन। सो पी कितना है, 4000 रुपीज़, 1 + R कितना है 7.5, सो 7.5 / 100 टू द पावर एन, ड्यूरेशन कितना है 2 ईयर्स का ड्यूरेशन देकर है। सो 4000 × 100 और 100 + 7.5, तो 107.5/100, फिर से इसका स्क्वायर है। अब स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर दो बार मल्टीप्लाई, इसलिए दो बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 4000 × 107.5 × 107.5 ÷100 ÷100, ठीक है। फिर से वही बात आ रही है, अब 1 2 1 2, इधर वन कट हो गए, ओके। अब थोड़ी सी तकलीफ है हमको, 107.5 का मल्टीप्लाई करना होगा। सो चलो करेंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है। 107.5 × 107.5, ओके। अब कुछ कटने की तो आशंका नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर ये 4 को हम काट सकते हैं ना, तो वो भी कटेगा। कैसे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, और 5 से ये नंबर कट सकता है। यानी फिर से हम थोड़ा सा क्वेश्चन इजी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नहीं तो फिर ये जो टेक्निक है वही सॉल्व कर सकते भी है। तो ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, उसमें फिर और थोड़ा सा हम इसको छोटा करके देखेंगे होता है क्या। तो सो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, सो बचा गया यहाँ पर सिर्फ 2 × 107.5 × 107.5 / 5 ही बचा है सिर्फ, देखो बाकी सब कट चुके हैं। अब 5 × 5, देखो इसके वंस प्लेस में 5 है तो ये कट सकता है। जो नंबर के यूनिट प्लेस में 5 या 0 होगा उसको 5 से पूरा डिवाइड जाता है। इसके डिविजिबिलिटी रूल का भी वीडियो मेरा अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में मेरे। सो 5 × 5, इधर 5 × 2 = 10, इधर 5 × 5, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, बचे 3 है ना, सॉरी 2, सो 5 × 5 = 25। सो देखो राइट है, ठीक है। सो क्या आया आंसर, 2 × 21.5 × 107.5। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये 21.5 को 2 से मल्टीप्लाई पहले ही करके देख लेता हूँ, और बाद में फिर एक ही मल्टीप्लाई बचेगा बस। सो 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 2 × 2 + 1 = 3, 2 × 2 = 4, सो ये डेसिमल पॉइंट है एक छोड़ के, इसलिए एक छोड़कर × 107.5। अब सिर्फ 43 ही बचा, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा रहता था। सो 107.5 × 43, सो 5 × 3 = 15, 1 कैरी, 7 × 3 = 21, 22, 2 कैरी, 3 × 0 = 2, 3 × 1 = 3, 0 लूँगा मैं, 4 × 5 = 20, 2 कैरी, 7 × 4 = 28, 29 = 30, 3 कैरी, 4 × 0 = 0, बचे 3, 4 × 1 = 4, सो 5 2 2 6 4। सो वन प्लेस के बाद है, इसलिए वन प्लेस के बाद
सो आया 4622.5 रुपीज़, ये आया हमारा अमाउंट। सो अमाउंट मिल गया है, और अब अमाउंट मिल गया है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब बचा है इंटरेस्ट। सो हेंस इंटरेस्ट आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, सो अमाउंट कितना है 4622.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपीज़ ही प्रिंसिपल हमारा था। सो ये 4000 तो कट चुके हैं, बचा क्या सिर्फ रुपीज़ 622.5, ये हमारा इंटरेस्ट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एनुअली लग जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ऊपर से क्वेश्चन 3 देख रहे थे हम, इधर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी और वो सक्सेस भी हो गया था, आंसर भी राइट आ गया है। तो यहाँ तक के हमने इसको सॉल्व किया था, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा ख़त्म हो गया, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समीर राव हैज़ टेकन लोन ऑफ रुपीज़ 12,500। समीर राव ने एक बैंक से वगैरह लोन लिया होगा, और वो कितने का लोन लिया था, 12,500 रुपीज़ का। उस पर कितने परसेंट उनको चुकाने थे, 12% पर एनम, यानी कि यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये था हमारा प्रिंसिपल। फॉर 3 ईयर्स ये है ड्यूरेशन, 3 साल के लिए उन्होंने इतने पैसे लिए थे। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है उन पर, सो देन हाउ मेनी रुपीज़ शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन, उन्होंने उनका लोन क्लियर करना चाहिए 3 साल बाद, तो कितने पैसे उन्होंने पे करने चाहिए। यानी कि सीधी सीधी बात वो अमाउंट पूछ रहे हैं हमको इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में। एक बात तो है कि हमको इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है, अमाउंट ही पूछा है, इसलिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। सो क्वेश्चन जो देकर है क्वेश्चन के अंदर, वो वैल्यूज आपको लिखना ही पड़ेगा। सो इसलिए प्रिंसिपल कितने रुपीज़ का दिया है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, वो है रुपीज़ 12,500 रुपीज़ का लोन लिया है उन्होंने। उसके बाद में रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आर कहते हैं हम, जो कि है 12% पर एन्यूम का। और कितने साल के लिए दिया है, ड्यूरेशन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, वो है 3 ईयर्स का, 3 साल का ड्यूरेशन वो था। और हेंस अमाउंट पूछी है, इसलिए अमाउंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। सो हेंस अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + R/100 n, ये हमारा फॉर्मूला है। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट आउट करो, 12,500 इन ब्रैकेट 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12 / 100 n मंथ, यानी कि 3 ईयर्स। ओके, फिर से वही बात आ रही है, देखो आप यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कर दो। सो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100 + 2 = 112/100, इसका 3 पावर है, इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अब 1212, दूसरी बात, इसके वंस प्लेस पे 5 है, इसके वंस प्लेस पे 0 है, यानी कि दोनों को भी 5 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 5 2 = 10, बचे 2, 5 5 = 25। ओके, सो ये 5 2 = 10, 5 0 0, उसके बाद 25 1 = 25, 25 4 = 100, ठीक है। उसके बाद 4 1 = 4, 4 2 = 8, 3 बचे, 4 8 = 32। ओके, अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो आप शॉर्ट हैंड अगर समझे तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आपको फिर इसके शॉर्ट ट्रिक्स सीखना होगा। उसके बाद ये देखो स्टूडेंट, ये पूरा ही नंबर कट चुका है, यहाँ पर ये कट चुका है और ये भी कट गया, सिर्फ बचा क्या 112 मल्टीप्लाई बाय 112
और मल्टीप्लाई बाय 28 ही बचा है यहाँ पर, डिवाइड बाय ये पूरा नीचे के डिनोमिनेटर सब कट गए, सिर्फ 20 ही बचा, ये है 20। ओके, अब 20 से डिवाइड अगर किए तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो 20 से डिवाइड करने के लिए हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ones are 2, 2 0 0, ठीक है, फिर 2 ones are 2, 2 4s are 8, फिर से 2 5s are 10, 2 7s are 14। अब इससे ऊपर तो आप नहीं कट सकता, अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना होगा। सो 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा आंसर आया है। अब इसमें हमको ऊपर के नंबर पूरे मल्टीप्लाई करना ही होगा और नीचे का नंबर को डिवाइड करेंगे हम बाद में। सो 112 मल्टीप्लाई बाय 112 करेंगे हम, सो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0 आया। ये तो अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर है, 2 1s are 2, 1 1s are 1, 1 1s are 1, फिर 2 0 लेंगे हम, 1 2s are 2, 1 1s are 1, 1 1s are 1, सो 4 4 5 2 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, सो 7 4s are 28, 2 कैरी, 7 4s are 28, 29 30, 3 कैरी, 5 7s are 35, 36 37 38, 3 कैरी, 7 2s are 14, 15 16 17, 1 कैरी, 7 1s are 7 plus 1 8, सो इट इज 7808 डिवाइडेड बाय 5, फिर से 87808 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे हम, सो 5 1s are 5, बचे 3, 5 7s are 35, बचे 2, 8 आए नीचे, 5 5s are 25, बचे 3, 0 आए नीचे, 5 6s are 30, बचे 0, 8 आए नीचे, 5 1s are 5, बचे 3, डेसिमल पॉइंट 0, 5 6s are 30। तो ये सब हम नंबर माइनस करते हैं डिवीजन में, सो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 17,561 रुपीज़ और 60 पैसे, इतना हमारा आंसर आया है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू इतने रुपीज़ आए हैं, और साथ ही में क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम था इसलिए आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है। हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे, सो ही शुड पे, ही मतलब समीर राव, सो हेंस समीर राव शुड पे रुपीज 17,561.60 टू क्लियर हिज लोन, सो टू क्लियर हिज लोन, उनका लोन क्लियर करने के लिए उन्होंने इतने रुपीज देने चाहिए ही चाहिए। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट ये देखो क्वेश्चन टू मैंने यहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया था, यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब मैं ऊपर ले रहा हूँ और यहाँ पर वो आंसर ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन थर्ड जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे हम। क्वेश्चन थर्ड में स्टूडेंट, टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 8,000, एक बिजनेस स्टार्ट करना था शलाका को और उनको बैंक से लोन लेना पड़ा जो कि था 8,000 रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5 यानी कि 10.5 लेना है इसको, ध्यान में रखो परसेंट पर एनुमा यानी कि परसेंटेज। 2 साल बाद उन्होंने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उनको पे करने के लिए, तो चलो हम सॉर्ट आउट करते हैं। सो प्रिंसिपल देकर है, प्रिंसिपल जिसको हम पी से डिनोट करते हैं वो है 8,000 रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आर से डिनोट करते हैं हम वो है 10.5 लेंगे हम यहाँ पर, 10.5 मीन्स 10.5 ही होता है ना, और 2 ईयर्स देकर है इसलिए ड्यूरेशन जिसको एन डिनोट करते हैं हम वो है 2 ईयर्स का, 2 साल का। ओके,
और अब हमको इंटरेस्ट पूछा है तो हमको अमाउंट निकालना होगा और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने के बाद जो बचेंगे पैसे उतना इंटरेस्ट उनको पे करना है। सो हेंस अमाउंट ए इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक है, सो पी मतलब 8000 रुपीस इन ब्रैकेट 1 प्लस आर मीन्स 10.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 2 साल के लिए है इसलिए डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। ओके, सो 8000 रुपीस इंटू 100 वन जार 100 100 प्लस 10 110 0.5 बाहर है अपॉन 100 आया और दो बार है यानी कि दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो स्क्वायर कहलाया जाएगा। सो 110.5 डिवाइडेड बाय 100 सो 1 2 1 2 1 कट चुके हैं। उसके बाद में बड़ा बड़ा डिवीजन हम करके देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 10 ही बचा है। ठीक है, इसलिए अभी के पीरियड में तो ये 10 को हम रहने देंगे जैसा कि वैसे, क्योंकि उसका वैसे भी तो कुछ ज़्यादा फायदा है ही नहीं हमको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 110.5 मल्टीप्लाई बाय 110.5 और डिवाइडेड बाय 10 बचा है, और कितना कुछ छोटा वगैरह हुआ तो और छोटा कर लो आप क्वेश्चन को। सो 2 4 8 और 2 5 10, उसके बाद 5 1 5 इधर 5 2 10 बचा 1 5 2 10 कुछ भी नहीं बचा, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट और 5 1 5 22.1 बचा। उसके बाद ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 1 4 डेसिमल पॉइंट 4 2 8 4 2 8 88.4 मल्टीप्लाई बाय 110.5। सो 110.5 मल्टीप्लाई बाय 88.4 करेंगे आप हम। ओके, सो 4 5 20 टू कैरी 400 प्लस 2 2 4 1 4 4 1 4। अभी के पीरियड में डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ, पूरी तरह से भूल जाओ, डेसिमल पॉइंट है करके ये सोचना भी मत। ओके, प्लस 0 8 5 40 फोर कैरी 800 प्लस 4 4 8 1 8 8 1 8। अब दो जीरो लेंगे हम, 0 0 बढ़ते जाएंगे, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही आंसर आएगा। देखो 8 5 40 फोर कैरी 800 प्लस 4 4 8 1 8 और 8 1 8। ठीक है, सो 0 2 4 प्लस 4 8 8 प्लस ये 4 प्लस 4 8 और 8 और 8 16 वन कैरी 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 वन कैरी 8 प्लस 1 9। अब कितने डेसिमल के बाद है, इधर 1 और इधर 1, सो 1 प्लस 1 2 यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो डेसिमल पॉइंट की भी प्लस होती है, तो एक एक छोड़कर है तो इसलिए हम 1 और 1 2 इतने छोड़ देंगे। सो अमाउंट आया है ए इज इक्वल्स टू 9768 रुपीज और 20 पैसे। ठीक है, अब हमको अमाउंट नहीं पूछी है उन्होंने, उन्होंने पूछा है कि शलाखा ने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना होगा, सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 9768.20 माइनस प्रिंसिपल कितना था, 8000 रुपीज, है क्या नहीं। सो माइनस करेंगे हम 8000 उसमें से, सो इसमें से माइनस करो आप 8000। सो 0 2 8 में से 0 गए 8, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 0 गए 7 और 9 में से 8 गए 1। सो 1768 रुपीज़ और 20 पैसे इतना इंटरेस्ट उनको पे करना होगा। वैसे ही मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन जब वर्ड प्रॉब्लम में है तो उसका आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में आना ही चाहिए। सो उसका क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ मैं, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे। सो शलाका हैज टू पे, शलाका का स्पेलिंग देखने दो एक बार, शलाका है वो, शलाका
हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट है ये, इंटरेस्ट की जगह पर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1768.20, इतना उन्होंने अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट पे करना चाहिए, अमाउंट तो इतना पे करना है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आऊँगा मैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यहाँ तक हम आ गए थे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया और प्रैक्टिस सेट भी ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रैक्टिस सेट, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं आगे 9th और 10th में भी आपको मिलने ही वाला हूँ साइंस और मैथ के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी ये रिकमेंड करें चैनल मेरा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते तो अच्छा लग, तो किसको नहीं लगता भाई, सभी को अच्छा लगता है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।